तो दोस्तों आज हमें चेसर मशीन बनाने के लिए कुछ उपकरण की ज़रूरत है, जिसमें कि आपको ये 050 अरे 50 नंबर या फिर 1040 नंबर का वायर, एक चेसर की, एक एसी के लिए तार थोड़ा सा मोटा और एक प्लग, एक टेस्टिंग के लिए एक होल्डर और एक एलईडी बल्ब की आवश्यकता है। ये 6 सर्किट की किट है, इसमें आप देख सकते होंगे 1 2 3 4 5 6 लिखा है और ये कॉमन है, ग्राउंड होती है। ये ग्राउंड जो है डायरेक्ट होता है इस ग्राउंड से इस ग्राउंड ग्राउंड तक, इसमें डायोड लगी हुई है और इसमें एक पीएफ है जो इस आईसी को रिले करता है, ताकि ट्रांजिशन निकलते हुए आ जाता है। और ये काम कैसे करता है, कैसे बनाना है, आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक डब्बे ले लीजिएगा और इसमें आप होल बना करके एसी तार लगा लीजिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर डालते हुए तार निकाल लीजिए, लगा लीजिए और उसके बाद एक तार वहाँ से लगा लीजिए। ये अर्थ ग्राउंड की तार इस ग्राउंड से ले लेंगे, आप यहाँ पर कॉमन लिखा होगा देख सकते हैं, तथा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ से आप वायर निकाल लेंगे। ये 6 सर्किट हो जाएगी और इस पोजिशन पर एसी कोर है और यहाँ पर एसी कोर है, ये पीएफ होते आ जाता है। अब दोस्तों ये काम कैसा करता है ये आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों हमने वायर कनेक्ट कर लिया है, एक वायर अर्थ से और एक वायर एक नंबर सर्किट से। अब हम दीपक शर्मा अपने सर्विस से कहेंगे कि इसको लाइट दें, इसका टेस्टिंग देखा जाए। देखिए ये म्यूजिक की तरह चलना शुरू हो गया है, अर्थात ये 1A सर्किट है। अगर इसकी 6 सर्किट लगा दी जाए तो एकदम चलते हुए एकदम दिखेगी। ये दिवाली के लिए एकदम खास तैयार किया गया है 6 सर्किट, यहाँ से वायर और ये कनेक्शन करते हुए। अभी तक इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली।